नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कहते हैं कि सूबे का मुखिया अगर सख्त होगा तो शासन अपने आप ही सख्त हो जाएगा। ऐसा कुछ फतेहपुर में भी देखने को मिला। अब इसे सूबे के मुखिया की सख्ती का असर ही कहेंगे कि डीएम ने जिले के नलकूप खंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और खामियों पर जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, डीएम ने एक्सीएन एई जेई समेत पूरे स्टाफ का वेतन भी रोक दिया। डीएम की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नलकूप खंड के औचक निरीक्षण के मौके पर दफ्तर का घूम घूम कर मुआयना करते डीएम कुमार प्रशांत ने विभाग में मौजूद खामियों पर जमकर फटकार लगाई है। डीएम की माने तो जिले में खराब नलकूप का सही आंकड़ा तक विभाग के पास मौजूद नहीं था। इसके साथ ही वर्कशॉप में कमियों का अंबार मिला। दफ्तर में गैरहाजिर कर्मचारियों पर भी जमकर फटकार लगाई। वहीं दफ्तर में साफ सफाई का नामो निशान तक नहीं था। जगह जगह गंदगी का अंबार देख डीएम और सीडीओ ने पूरे स्टाफ को जमकर फटकार लगाया है। साथ ही डीएम ने 20 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है कि सारी चीजें दुरुस्त कर लें। झाड़ू लगाने के लिए साहब आएंगे आपके? झाड़ू वाले के लिए जब वो पेमेंट, जब सब कुछ आएंगे आपको कुर्सी लगा देंगे, आपको लगा देंगे, यहाँ चिकना चिकना कर देंगे तो तब तुम बैठोगे। अरे आपके भी रुपये कुछ दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? कुछ खाने आप लोगों को कोई दायित्व नहीं? एक कुत्ता भी बैठता है ना तो पूंछ हिला के झाड़ू तो साफ कर सकते हो, धूल तो साफ कर सकते हो, उसमें बैठे हो। ये काम के लिए कौन बाहर ही बुलाओगे? कोई दूसरे विभाग का आदमी आएगा? हैं, कोई चपरासी नहीं? आप कह रहे हैं कितने सारे बाबू भरे पड़े हैं, हमारे पास चपरासी इतने सारे भरे पड़े हैं, ये धूल सककर साफ करने के लिए कौन आदमी आएगा बाहरी? तो बिल बन चला है दो साल से कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। बीच में सुनवाई हुई थी। हाँ। टेबल दी गई थी, इतनी पतली टेबल दी गई थी अटैनमेंट की, और वो लोअर करने गए ठेकेदार। अधिकारी से मिले क्या कहा आप? अधिकारी से मिले, कह रहे हैं हो जाएगा आपका काम। कितने बार आ चुके हो यहाँ शिकायत करने? हम आ चुके कम से कम 10वीं बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे पहले तो जी और इसके कार्य क्षेत्र क्या होने चाहिए थे वो क्लियर नहीं थे। इसके अलावा जो है यांत्रिक दोष से और विद्युत दोष से जो है ख़राब थे जो भी हमारे नलकूप, उसकी डिटेल पर्याप्त नहीं है। और इसी प्रकार वर्कशॉप में भी कुछ कमियां नज़र आई, तो उसके लिए निर्देशित किया गया है एक्सीएन को। ये कमियां जो हैं 20 दिनों के अंदर इसको जो है सुधार लें। 20 दिनों के बाद फिर से हम निरीक्षण करेंगे, और जब तक ये कमियां इसमें सुधार नहीं आ जाता तब तक जो है सारे जो हमारे एक्सीएन एई और जितने जेई हैं सभी के वेतन रुके रहेंगे।